Okay. Hello learners. Last sessions we have discussed about the financial accounting and auditing. We discussed about the auditing, right? We have done with the syllabus of auditing, right? Last session में हम लोगों ने ये discuss किया था auditing के syllabus के बारे में. Also we have discussed about the lot of scams happen in India, right? और मैंने ये बताया था कि हम लोग स्कैम्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो एज इन एज अ ऑडिटर आपको जितने भी स्कैम्स हुए सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर इज मेड फॉर दैट, राइट? ऑडिटर बना ही इसीलिए है ताकि वो स्कैम्स को रोक सके, राइट? फ्रॉड्स, एरर जो भी है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको वो क्या कर सके, रोक सके. इसके लिए ही ऑडिटर बनाए, यही उसका ड्यूटी है, राइट? सो लास्ट सेशंस वी डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग, राइट? टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? लास्ट सेशंस वी डिस्कस अबाउट द बेस्ट फर्म्स ऑफ वर्ल्ड. ये वर्ल्ड की, इंडिया की सबसे बेस्ट फर्म है ऑफ ऑडिटिंग. यही जो फर्म्स है जो अपने यहाँ पे जितने भी बिग कंपनीज है उनका ऑडिटिंग ये सब कंपनीज करके देती है, राइट? देन दीज आर सम बेस्ट सीएस ऑफ इंडिया. इंडिया के कुछ बेहतरीन सीए है. अगर मैं बात करूँ राकेश झुंझुनवाला जी की, तो अभी ये है नहीं हालांकि, बट ही वॉज द बेस्ट सीए बिकॉज इन्होंने शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतरीन काम करके कामगारी दिखाई है अपनी. देन नैना लाल किटवाई, इनको हाल ही में पद्म भूषण मिला था. सो दीज आर अ फ्यू बेस्ट सीएस इन आर कंट्री, राइट? नाउ विल गो टू द वर्ल्ड ऑफ ऑडिटिंग, राइट? और ऑडिटिंग का जो दुनिया है ये स्टार्ट होता है विद दिस, दैट इज सीए. ये जो साइन है ना, ये साइन एक ऑडिटर के लिए बहुत ही कुछ मायने रखता है. इसीलिए जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ICAI, ओके, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इन्होंने जब इनका लोगो चेंज किया था, तो इन्होंने अभी जो हाल ही का लोगो है उनका वो ऐसा है. और ये जो साइन है ना, ये साइन को एक ऑडिटर ही बहुत नज़दीकी से और गहराई से समझ सकता है, राइट? सो हु कैन बी एन ऑडिटर? ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर वही बन सकता है जो एक सीए हो, राइट? तो जो सीए है वही ऑडिटर है, जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होती है वही क्या बनता है? ऑडिटर बनता है, राइट? सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग क्या है, राइट? सो द वर्ड ऑडिट, ये जो वर्ड है ऑडिट, ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग था ऑडेर, और ऑडेर का मीन्स रहता है सुनना, राइट? टू हियर. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो अकाउंट्स बनाने वाले लोग होते थे वो अकाउंट्स है ना पढ़ के बताते थे, और जो ऑडिटर रहता था वो उसको सुनता था, सिर्फ सुन के समझ के फाइनलाइज करता था वेदर दैट अकाउंट जो भी बना है वो सही बना है या नहीं बना है, राइट? दैट्स वाई दिस वर्ड कम, दैट इज ऑडेर. ओके, इसका मतलब होता है सुनना, सुन के समझना कि जो सामने वाले ने अकाउंट बनाया है वो सही है या नहीं है. तो ये लैटिन वर्ड है ऑडियर, यहाँ से ही आया है और उससे ही बना है हमारा ऑडिटिंग. देन इन ओल्डन डेज सम एक्सपीरियंस पीपल ऑर्डिनरीली जज द अकाउंट्स ऑन ऑफ अ बिजनेस पीपल फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट. तो एक ऑडिटर को क्या करना होता है, एक ऑडिटर को जो अकाउंट बना है हमारा, राइट, देर आर सम एंट्रीज इन डेबिट, सम एंट्रीज इन क्रेडिट, राइट, और ये फाइनल टोटल्स, राइट? तो ये पूरा जो हमारा अकाउंट है, राइट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. एक ऑडिटर को क्या करना है, इसे चेक करना है, थरोली चेक करना है, और फाइनली एक उसका ओपिनियन देना है. क्योंकि देखो क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इसका जो अकाउंट रहता है इसमें थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज रहती है. सो इट इज़ नॉट इजी टास्क फॉर द ऑडिटर टू सीट एंड चेक फॉर द थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, राइट? सो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ऑडिटिंग, ही विल गिव हिज ओपिनियन वेदर he find that accounts are error and fraud free,
ये सिर्फ अपना ओपिनियन देगा, राइट। ये नहीं बोलेगा कि भाई ये अकाउंट जो है या फिर ये बैलेंस शीट जो है ये 100% एकदम राइट है, नो। ओके, वो उसका ओपिनियन देगा कि ये सही है या नहीं है, राइट। सो बेसिक मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, द ऑडिट द वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडर विच मीन्स टू हियर, और ऑडिटिंग का मतलब होता है टू चेक। और क्या चेक करना? अकाउंट, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारी जो बैलेंस शीट है उसको चेक करना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सबसे पहले डेफिनेशन में। पूरा जो ऑडिटिंग है वो इस एक डेफिनेशन में समाया हुआ है। इफ यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, अगर आप ये डेफिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से अगर समझ जाते हो तो पूरा ऑडिटिंग आप समझ जाते हो, राइट। और ये जो डेफिनेशन है, वैसे कई डेफिनेशंस है बुक में दी हुई, बट आई फॉलो जो डेफिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन ने दिया है, मैं वही डेफिनेशन फॉलो करती हूँ, वही सबसे मेरे को आसान लगता है, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और अ लीगल फॉर्म। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। देखो, तो अभी हम लोग ये डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे। नाउ ऑडिटिंग, अभी यहाँ पे हम लोग को ऑडिट नहीं समझना है, हम लोग को यहाँ पे समझना है ऑडिटिंग को समझना है। ओके, इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद होके किया हुआ एग्जामिनेशन। तो जो एक ऑडिटर है वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकता। अभी डिपेंड मतलब ना वो अपने जो फैमिली है उसके ऊपर डिपेंड नहीं चाहिए। ऐसा है कि इसकी जो वाइफ है उसकी भाई की वो कंपनी है, इसके लिए वो जाके वहाँ पे ऑडिट करेगा, तो ऐसे नहीं होता है, राइट। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी से, ही इज ओनली देयर, वो और वो कंपनी से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, ना उसके रिश्तेदार है, तो ना वहाँ पे उसका फैमिली मैटर करेगा, राइट, ना वहाँ पे उसके फ्रेंड्स मैटर करेंगे, ना उधर उसका कोई भी जो कंपनी है उसका जो रिलेशन है, जैसे सीईओ हो गया या फिर जो ऑडिटर है उसका और कंपनी का कोई भी रिलेशन नहीं चाहिए। मतलब वो उसका जो लोन रहता है, मतलब उसने ना कंपनी को लोन दिया हुआ होना चाहिए ना कंपनी से लोन लिया हुआ होना चाहिए। इट टोटली इंडिपेंडेंट मतलब ना उसकी फैमिली का कोई रिलेशन वहाँ पे होना चाहिए, ना उसका फ्रेंड्स का, ना कंपनी के जितने भी हायर लेवल के जो लोग हैं उससे उस ऑडिटर का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और तभी वो पर्सन जो है उस अकाउंट्स को थरोली इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता है। अगर मान लो कि उसका कोई भी रिलेशन वो कंपनी से है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे बायसनेस आ जाएगा या वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। दैट्स वाई फर्स्ट देखो स्टेटमेंट यही है, ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स इसमें आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, राइट। इसमें आपका आएगा बैलेंस शीट आएगा, और इसमें आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ये तीन स्टेटमेंट से बनता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और एक ऑडिटर को ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ही डीपली चेक करना है, और कैसे? इंडिपेंडेंटली इसका एग्जामिनेशन करना है, किसी भी दबाव में आके इसको चेक नहीं करना है। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, एंटिटी का मतलब है कि कोई भी बिजनेस, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ओके, मतलब चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, फिर भी वो करेगा। एंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, मतलब जो उसका साइज, मतलब वो कंपनी बड़ा हो या छोटा हो, लीगल हो या नहीं हो। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड
विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। अभी जैसे मैंने हालांकि कहा था अभी जस्ट कि जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन देगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये बाबा ये अकाउंट 100% राइट है, ऐसा बोल ही नहीं सकता है वो, क्योंकि लैक्स ऑफ एंट्री होता है, राइट। हर एंट्री उसने चेक नहीं किया, सो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, राइट। अभी सो विद दिस डेफिनेशंस हियर वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन, राइट। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट सेशन, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।